तो फ्रेंड्स वेलकम एंड बैक टू आवर चैनल यूनिक एडिटिंग जोन 75। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग, आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स आप भी इस टाइप की फोटो एडिटिंग कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो इस टाइप की फोटो एडिटिंग आप कैसे कर सकते हो, तो फ्रेंड्स इस टाइप की एडिटिंग सीखने के लिए मेरे वीडियो को अंत तक देखो, ठीक है फ्रेंड्स, तभी आप लोग इस टाइप की एडिटिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस टाइप की एडिटिंग करना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स इसमें जो भी मैं PNG एंड बैकग्राउंड का यूज करूँगा, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर डाउनलोड बहुत ही आसानी से कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो फ्रेंड्स क्या करना है, सबसे पहले अपने जो फोटो है उसको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। वहीं से हम एडिटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस टाइप का आपका बैकग्राउंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका ये वाला बैकग्राउंड भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड साथ ही साथ मैं आपको दो तीन बैकग्राउंड अलग से भी दे दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप वहां से जाके कर लेना डाउनलोड। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहां पे अपने जो पहले अपने मॉडल को ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं यहां पर मॉडल का पिक लेके आपको सिखा रहा हूं। अब अपने पिक को एडिट करना बड़ी आसानी से कर सकते हो अपने पिक को भी। तो फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखना, तभी आप लोग समझ पाओगे। तो फ्रेंड्स मैं अपने जो मॉडल उसको ऐड कर लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपने जो मॉडल है उसको ऐड कर लिया, देख सकते हो। तो फ्रेंड्स इसको हमको यहाँ पर साइड में इस टाइप से फिक्स कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आप अपने जो एक सिटिंग वाला पोज कर लेना, क्लिक करवा लेना, और आप भी इस टाइप की एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से मैं इसको अच्छे से फिक्स कर देता हूँ, तो यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ। एंड जो हमारा गर्ल का PNG है उसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ, ताकि दोनों को एक साथ अच्छे से फिक्स कर सकूँ। तो फ्रेंड्स मैंने इसको भी ऐड कर लिया, तो मैं इसको यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ एंड यहाँ पर साइड में फिक्स कर देता हूँ। फ्रेंड्स इस गर्ल का PNG भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है फ्रेंड्स, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो फ्रेंड्स यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसको मूव डाउन कर देंगे, ताकि यह जो हमारा है ये पीछे चले जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं जो भी PNG का यूज करूँगा सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करके मेरे वेबसाइट से बड़े आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा जो यहाँ पर फिक्स हो गया अच्छे से, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो हमारा हो गया अच्छे से फिक्स, यहाँ से इसको डन कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। एंड यहाँ से देखिए इस टाइप से आप डन कर लेना। एंड फ्रेंड्स डन करने के बाद हमको यहाँ पर स्टिकर वाले ऑप्शन पर चले जाना है। ओके, एंड नेट ऑन कर लेना अपना, वहीं पे आपको एक कलर का PNG मिलेगा, ठीक है, तो वो आप उसको लगा लेना। तो फ्रेंड्स अगर आपको स्टिकर में नहीं मिलेगा, तो फ्रेंड्स मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसका भी मैं PNG बना करके दे दूंगा। फ्रेंड्स मैं इसमें जो भी PNG का यूज करूँगा सभी मैं आपको उपलब्ध करवा दूँगा। तो मैं यहाँ पर अच्छे से नीचे की ओर ऐसे फिक्स कर लेता हूँ, ठीक है। इसका से ओपेसिटी थोड़ा सा माइनस की ओर रखता हूँ, एनी इरेजर पे आके गर्ल के जो फेस पे उसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। देख सकते हो फ्रेंड्स इस टाइप से मैंने कर दिया, यहाँ से इसको डन कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ से इसको डन कर दूंगा। देन फ्रेंड्स डन करने के बाद क्या करना है, हमको एक जो यहाँ पर होता है टीका चंदन का जो PNG है उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं उसको भी ऐड कर लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर लिया, आप देख सकते हो। तो इसका भी फ्रेंड्स जो भी PNG यूज करूँगा सभी का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, आप मेरी वेबसाइट से जाके कर लेना डाउनलोड। तो फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखोगे तभी आप लोग समझ पाओगे एडिटिंग। फ्रेंड्स बहुत ही आसान है एडिटिंग। तो फ्रेंड्स इसका ओपेसिटी थोड़ा सा माइनस की रखेंगे, ताकि यह चंदन जो हमारा डियर लगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से देख सकते हो बहुत ही अच्छे से हो गया, तो यहाँ से हम इसको डन कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। एंड डन करने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं गर्ल का जो PNG हमने ऐड किया उसके फेस पे इसका सेचुरेशन ज़्यादा है, एंड जो हमारे पास मॉडल है उसका फेस का जो सेचुरेशन कम है, तो दोनों को हम फिक्स कर लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से हमको टूल्स वाले ऑप्शन पर चले आना है एंड एडजस्ट पर, ठीक है फ्रेंड्स। एंड सेचुरेशन पर आके इसका सेचुरेशन माइनस कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। एंड सेचुरेशन माइनस करने के बाद इरेजर पे आएंगे फ्रेंड्स, एंड इन्वर्ट करके यहाँ पर जो गर्ल्स है उस गर्ल है उसके फेस पे
ऐसे ऐसे ब्रश कर देंगे जिससे इसका जो फेस है वो वाइट हो जाएगा एंड जो हमारे मॉडल से इसका फेस मैच करेगा, जिससे थोड़ा सा रियल सा लुक आएगा हमारा फोटो में जो अच्छा लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं जैसे जैसे आपको स्टेप बता रहा हूँ ऐसे ऐसे आप कर लेना। ठीक है तो फ्रेंड्स, आप है ना जो अपने हिसाब से एडिटिंग कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ बस। ठीक है तो यहाँ से इसको हम यहाँ से इसको डन कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो दोनों का फेस एक जैसा मैच हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद क्या करेंगे, हमको एफएक्स वाले ऑप्शन पे चले आना है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड यहाँ पर फ्रेंड्स हमको ब्लड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऐसे ब्लड को सिलेक्ट करके फ्रेंड्स इसका ब्लड है उसको थोड़ा सा माइनस रखेंगे। ठीक है एंड इरेजर पे आके फ्रेंड्स यहाँ से हम उसको बैकग्राउंड सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर जो बैकग्राउंड में थोड़ा सा ब्लडिंग रहेगा तो हमारा फोटो पूरा यहाँ पर क्लियर रहेगा। ठीक है तो यहाँ से देख लेना जो हमारे मॉडल है उसके उस पर तो नहीं है, तो उसको यहाँ से रिमूव कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से इसको हम यहाँ से डन कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप पहले से एडिटिंग करते हो तो पता होगा आपको कौन सा टूल कहाँ पर रहता है, तो आप समझते होंगे मुझे पता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी टाइप से आप एडिटिंग करना। तो फ्रेंड्स, इस टाइप से एडिटिंग करने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमको फिर से स्टिकर पे चले आना है। एंड फ्रेंड्स, मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है PNG को, तो मेरे पास पहले से ही है। तो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। तो फ्रेंड्स, यहाँ से इसको स्क्रीन नहीं फ्रेंड्स, यहाँ से लाइट वाले ऑप्शन पे लाइट 10 कर देना है। ठीक है एंड यहाँ से इसे बढ़ा कर इसको कर लेना है फ्रेंड्स। एंड इरेजर वाले ऑप्शन पे आके फ्रेंड्स यहाँ से जो फेस के साइड है वहाँ से रिमूव कर लेना फ्रेंड्स। अगर आपको जो जिस साइड में रखना होगा वहाँ पर रखना, वो आपकी मर्जी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से मैं इसे रहने दूंगा जिससे हमारे फोटो में एक अच्छा सा लुक आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं रहने दूंगा। तो देख सकते हो फ्रेंड्स हमारा एडिटिंग पूरा हो गया। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा एडिटिंग, पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि मैं इस टाइप की एडिटिंग आप लोगों को सिखाता रहूँ हमेशा। तो फ्रेंड्स, जल्दी से मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी नवरात्रि।